दोस्तों, ये सवाल मैंने एस सी वर्मा सर की कंसेप्ट ऑफ फिजिक्स नामक किताब का चैप्टर नंबर 5 सवाल नंबर 2 क्या कह रहा है। कार इज मूविंग एट 40 किलोमीटर पर आवर, यानी आपको जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है वो 40 किलोमीटर पर आवर दे रखी है। तो पहली जिम्मेदारी क्या हो जाती है आपको, इसको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना, जो कि बहुत आसान है। आपने कहा 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। इज टू बी स्टॉप बाई अप्लाइंग ए ब्रेक इन नेक्स्ट 4 सेंटीमीटर। इसका मतलब हुआ स्टॉप हो रही, स्टॉप हो रही, इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी 0 है। कितनी डिस्टेंस पे हो रही है, एस बराबर 4 मीटर पे हो रही है। इफ द कार वेट इज 2000 kg, यानी मास ऑफ द कार इज 22000 kg हो गया। क्या बताना है, एवरेज फोर्स मस्ट बी अप्लाइड ऑन इट। वेरी सिंपल, आपने कहा सपोज ये आपकी कार है 2000 kg की है, 40 किलोमीटर पर आवर जा रही, ब्रेक मारा रुक गया, तो आपने देखा कि इसमें केवल जो है एक ही फोर्स लग रहा है नेट। और आप जानते हैं सोती सर कहते हैं कि न्यूटन ने मरने से पहले सोती सर के कान में क्या कहा था, नेट फोर्स एक्टिंग ऑन ए बॉडी इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मास एंड एक्सीलेशन। चूंकि एक ही फोर्स है तो आपके पास नेट फोर्स एफ हो गया, मास इंटू एक्सीलेशन। मास गिवन है बेटा 2000 kg का दे रखा है, अगर ए निकल आए तो आपका काम बन जाए। ए आप इस डेटा से निकाल सकते हैं जो कि बहुत सिंपल है। आप जानते हैं अगर यू और वी और एस दिया है तो ए कैसे निकालेंगे, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर। चूंकि रिटार्डेशन हो रहा है, बॉडी रुक रही है, इसलिए हमने माइनस पहले से ले लिया। वी स्क्वायर आपका 0 है, यू स्क्वायर की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं, 4 × 5 = 20, यानी 200 × 18 का होल स्क्वायर माइनस 2 AS, इधर ले आइए तो आपका हो जाएगा 2 AS बराबर 200 × 200/18 × 18, 18 का भी स्क्वायर करेंगे, इससे डिवाइड कर दीजिए, 1 हो गया। आपको ए चाहिए था, एस आपके पास 4 मीटर का है, बहुत कम है भाई, बहुत जल्दी रुक गई। 18 × 18, आप आराम से कह सकते हैं कि सर इसको इससे डिवाइड कर दीजिए, 2 × 5 = 20, यानी ऊपर मिला आपको 5000, नीचे मिला 18 × 18। सब्स्टिट्यूट कर दीजिए वैल्यू, यहाँ पे ये हो गया आपका मास, मास है आपका 2000, एक्सेलेरेशन आपने अभी अभी निकाली 5000/18 × 18, मल्टीप्लाई कीजिए, 5 × 2 = 10 हो गया बेटा, 0 कितने हैं 3 और 3 = 6 हो गया, अरे भैया 18 × 18 है, कम से कम यहाँ पे लीजिए आप इससे 2 0 उधार, 10 पहले सा 2 लिया, 10^4, अब आप डिवाइड कर दीजिए 18/18, जब आप करेंगे तो आपको मिलेगा 3.08, जिसको कि हम 3.1 ले लेते हैं, × 10^4 न्यूटन, यानी कि अपोजिट डायरेक्शन में 3.1 × 10^4 न्यूटन का फोर्स लगाएंगे तो ये जो 2000 kg का जो कार है जो कि 40 किलोमीटर पर आवर चल रहा था, अगले 4 मीटर पे रुक जाएगा।